नूडल्स गाइस, सब सब कैसा, सब बढ़िया ही हो गया। और आज हम बनाने वाले हैं नूडल्स, क्योंकि सबको नूडल्स खाने, नूडल्स बहुत दिन से हमने खाए भी नहीं थे और सबको नूडल्स खाते और बना आज मैं रहा हूँ। और आरती मुझे बताएगी, क्योंकि मुझे पता नहीं कैसे बनते हैं। आरती मुझे गाइड करेगी कैसे कैसे बनाने, बनाऊँगा मैं अपने हाथों से। तो आप देखिए, अब डल रहे हैं रिफाइंड, बस और डालो, बस रिफाइंड डल चुका है। इसके बाद अब थोड़ा अभी हमारा हो रहा है तेल गरम, क्योंकि तेल गरम होएगा फिर इसमें प्याज जाएगी ना। हाँ, प्याज और हरी मिर्ची काट दी। ये कैप्सिकम है हमारी और ये ओनियन है, और इसके नीचे है ग्रीन चिली। इसमें ऑयल गरम होगा, सारा डाल दो साथ में, कटोरी पलट दो। तो हमारा ये अभी बॉयल तो अभी हमारी ओनियन मतलब अच्छी तरह से पक रही है, क्योंकि ना तो इसे ज़्यादा इतनी कच्ची रखनी है और ना ज़्यादा मतलब ब्राउनी करनी है, क्रंची मतलब नॉर्मल से मतलब क्रंची पन हुआ बस। तो अभी इसे 2-3 मिनट हम इसे अभी पकने देते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद हमारी जाएंगी कैप्सिकम, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारे नूडल्स हैं, पत्ता गोभी भी है, हो गई है। अभी डालेंगे पत्ता गोभी सारी। हाँ ऐसे में डालो, पानी होगा उसमें ऐसे। हाँ सही डाल देना, जितनी वेजिटेबल होती है उतने ही नूडल्स में मजा आता है। शादी के बाद पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, वो आ रहे थे जब ठीक थे तब तक खाना टाइम पे भी लगता। ओहो, जब इंसान को बनाना आएगा तो मुसीबत के टाइम पे इंसान तो बना सकता है। तो इन्हें खानी है हमारे हाथ की? नहीं मुझे नहीं, इन्हें खानी है खुद के हाथ की। खाएंगे हम 2 मिनट। अब हमारी जा रही है इसमें कैप्सिकम, कैप्सिकम डल 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 चुकी है। अब ये बना रहे हैं पहली बार नूडल। आरती से तो फर्स्ट टाइम घुसा हूँ मैं, मतलब बनाने के लिए खाना बना, वैसे तो खाने के लिए तो मैं बहुत खाता हूँ लेकिन बनाने के लिए फर्स्ट टाइम घुसा हूँ आरती से। एक तो ऑफिस से आओ ठीक है और खाना बनाओ, जिंदगी ना शादी करके ना बस। अब हो चुके हैं कुक, अब डाल जाएंगे इसमें, क्या जाएंगे इसमें? नूडल्स ना। हाँ सारे, हाँ ऐसे ऐसे करके डालिए। हाँ ये बनना कुक डालो, खाने की चीज से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट टाइम बना रहा है मैंने ना, दुकानों पे तो रेस्टोरेंट पे मतलब मैंने बहुत खाए बट इतनी मेहनत खाने के लिए, तो अब अच्छी चीज खाने के लिए तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। पहले आप एक ही चम्मच से हिलाइए, तोड़ने की नीड नहीं है, आराम से। थोड़ी थोड़ी गिरी। अब इसमें जा रहा है सॉल्ट 1 चम्मच। हाँ अब इसमें जाएगा 1 चम्मच मिर्ची। हाँ डाल दो, अरे डाल दो ना पूरा, बस स्पाइसी हो जाएगी, खाई नहीं जाएगी। अब इसमें डालो 1 ढक्कन भर के विनेगर, विनेगर हल्का सा और डालो, हाफ और। एक ढक्कन जाएगी सोया सॉस, सोया सॉस का डब्बा ढक्कन दूसरा चेंज करिए। बस
बस बस पहले कलर चेक कर लेंगे, अगर लगा तो और सोया सॉस ऊपर से डाल लेंगे। कैसी लग रही है चाउमीन? देखने में तो टेस्ट अच्छा लग रहा है, लेकिन अब खाने में कैसी होगी वो मुझे नहीं पता, अभी थोड़ी देर में चेक करके बताऊंगा। मैं नहीं, आटी ही बताएगी चेक करके, क्योंकि अगर मैं खाऊंगा तो फिर तो मुझे तो खुद ही चीज तो अच्छी लगेगी। ठीक है, मैं बताऊंगी टेस्ट कैसा है। मैं सोच रहा हूँ दोबारा डालने, क्योंकि थोड़ी सी ना कम इसमें रह गई थी। अब गैस तेज करो। हमारी नूडल्स बन गए देखो। नूडल्स बन चुकी है, आरती टेस्ट कर रही है। एकदम मस्त बनी है। मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया। शादी करके क्या क्या करना पड़ता है ना, वो आज मुझे पता चल गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। इतनी मेहनत करी है मैंने नूडल्स बनाने की, फर्स्ट टाइम। ओके बाय।